सीरियल बेहद की माया यानी जेनिफर विंगेट अपनी बेपना खूबसूरती और प्यारी सी मुस्कान से सबको अपना दीवाना बनाने वाली टेलीविजन इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस हैं। आज हम आपको जेनिफर विंगेट से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते हों, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और बने रहें स्टारोपीडिया के साथ। जेनिफर ने जब 1995 में आई फिल्म अकेले हम अकेले तुमसे एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, उस वक्त उनकी उम्र महज 10 साल की थी। जेनिफर विंगेट का निकनेम जेनी है, इनके करीबी इन्हें इसी नाम से पुकारते हैं। जेनिफर का जन्म महाराष्ट्र के कोरेगांव में 1985 को हुआ था और इनकी शुरुआती शिक्षा भी संत जेवियर हाई स्कूल मुंबई में ही हुई। इसके बाद इन्होंने केजे सोमैया जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुंबई से बीकॉम किया। जेनिफर बचपन में एयर होस्टेस बनना चाहती थी। जेनिफर मानती हैं कि अगर वह एक्ट्रेस नहीं होती तो एयर होस्टेस होती। जेनिफर TMM मैगजीन के कवर पेज पर भी आ चुकी हैं। जेनिफर स्टीव धामी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हैं, जो कि खुद भी एक पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। जेनिफर विंगेट ने अपने कैरियर में बहुत सारे टीवी शो होस्ट किए हैं, जिसमें देख इंडिया देख, लॉफ्टर के पटाखे, जरा नच के दिखा, कॉमेडी का महामुकाबला प्रमुख है। जेनिफर विंगेट ने अपने शरीर पर कई टैटू भी बनवाए हैं। जेनिफर को टैटू बनवाने का बहुत शौक है। जेनिफर को जानवरों से बड़ा लगाव है। जेनिफर पालतू जानवरों में कुत्ता बहुत पसंद करती है। वह अक्सर अपने डॉग के साथ ली गई पिक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करती रहती हैं। जेनिफर विंगेट ने अपना टीवी डेब्यू बाल कलाकार के रूप में 2002 में आए सीरियल शकालाका बूम बूम से किया था। उन्होंने दिल मिल गए, कसौटी जिंदगी की, कुसुम, कहीं तो होगा जैसे तमाम सीरियल में काम किया, लेकिन उन्हें पहचान मिली 2013 में संजय लीला भंसाली के प्रेजेंट किए टीवी सीरियल सरस्वती चंद से, जिसमें उन्होंने कुमुद का किरदार निभाया था और उनके अपोजिट थे गौतम रूडे। उन्हें सरस्वती चंद्र के लिए इंडियन टेलीविजन अकादमी का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। जेनिफर विंगेट ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि उन्हें जिम जाना कतई पसंद नहीं, वो लेमन जूस पीकर और घर में ही एक्सरसाइज करके खुद को फिट रखती हैं। इसके बावजूद 2012 में ईस्टर्न आई की सबसे सेक्सी एशियाई वुमेन लिस्ट में उन्होंने 21वां स्थान प्राप्त किया और 2013 में मोस्ट फिट एक्ट्रेस का गोल्डन अवार्ड भी जीता। जेनिफर विंगेट के पसंदीदा एक्टर शाहरुख खान हैं और अभिनेत्रियों में उन्हें रानी मुखर्जी बहुत पसंद हैं। जेनिफर विंगेट की खूबसूरती किसी भी बॉलीवुड अदाकारा पर भारी पड़ती है। वो जितना वेस्टर्न वेयर में खूबसूरत लगती हैं, उतना ही एथनिक वेयर में भी। जेनिफर विंगेट की खूबसूरती के उनके फैंस भी कायल। वो सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं और अपनी खूबसूरत पिक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करती रहती हैं। जेनिफर विंगेट ने 2012 में दिल मिल गए के अपने को स्टार करण सिंह ग्रोवर से शादी की, लेकिन इनकी शादी ज़्यादा दिन चल नहीं पाई और 2014 में इनका तलाक हो गया। जेनिफर विंगेट कॉन्फिडेंट और मजबूत एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती हैं। 2014 में अपने तलाक के बाद जेनिफर ने 2016 में लोकप्रिय सीरियल बेहद से धमाकेदार वापसी की। इस सीरियल में उन्होंने माया का किरदार निभाया, जिसके बाद जेनिफर को काफ़ी फेम मिला। इसके बाद इन्होंने बेपनाह और बेहद 2 जैसे सीरियल में जोया और माया के किरदार में जबरदस्त एक्टिंग की। इनके बेहतरीन एक्टिंग की वजह से ही ये सारे सीरियल बहुत हिट हुए, जिसका फायदा जेनिफर विंगेट की लोकप्रियता में भी हुआ। उन्हें सीरियल बेहद के लिए लॉयन गोल्ड अवार्ड का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड हासिल हुआ और बेहद के लिए ही उन्हें इंडियन टेलीविजन अकादमी का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला और वो 2017 में मोस्ट स्टाइलिस्ट टीवी पर्सनालिटी भी चुनी गई। जेनिफर विंगेट मराठी क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती है। इनके परिवार में मम्मी, पापा, भाई, भाभी और एक भतीजा है। इनके पिता का नाम हेमंत विंगेट और माँ का नाम प्रभा विंगेट और इनके भाई का नाम जोसेफ विंगेट है। ये अपने भतीजे से बहुत प्यार करती हैं। जेनिफर विंगेट सेल्फ कॉन्फिडेंस, खूबसूरत और खुश मिजाज एक्ट्रेस मानी जाती हैं। वो खुद से जुड़े रिश्तों की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। 2014 में अपने तलाक के बाद जहाकरण ने एक इंटरव्यू में जेनिफर से अपनी शादी को सबसे बड़ी गलती बताया, तो वहीं दूसरी ओर जेनिफर ने अपनी टूटी हुई शादी को लेकर सम्मान दिखाया और जेनिफर ने कहा कि मुझे अपने इस टूटे रिश्ते को लेकर कोई पछतावा नहीं है और ना ही मेरे मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट है। जेनिफर देसी गर्ल है। उन्हें खाने में स्वीडिश समोसा और पानी पूरी बहुत पसंद है। इनकी नेटवर्थ 2.5 मिलियन डॉलर है। जेनिफर एक एपिसोड के लिए 50 से 60 हज़ार की फीस चार्ज करती हैं। जेनिफर को घूमने का बहुत शौक है और इनके फेवरेट डेस्टिनेशन सिंगापुर और मलेशिया है। जेनिफर का फेवरेट कलर ब्लैक एंड ग्रे है। जेनिफर ने राजा की आएगी बारात, कुछ ना कहो, राजा को रानी से प्यार हो गया, क्यों हो गया ना, लव किया और लग गई जैसी तमाम फिल्मों में काम किया।
उन्होंने कोड एम नाम की एक वेब सीरीज में भी काम किया, जिन पर विंगेट को हाल ही में 100 मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन के लिए नॉमिनेट किया गया। वेल, अगर आप जेनिफर विंगेट के फैन हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जुड़े रहें स्टारोपीडिया के साथ।